रामनगरी में बाबरी मस्जिद पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को नसीहत दी। इकबाल अंसारी ने कहा कि राष्ट्र धार्मिक नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है। हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय कहा जाता है। राष्ट्रवाद की तुलना कोरोना महामारी से करना गलत है। राष्ट्रवाद में सभी धर्म जुड़े हुए हैं। हामिद अंसारी ने गलत कहा है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश में सभी धर्मों मजहबों के लोग अपनी बात रखने में स्वतंत्र हैं। धार्मिक काम के लिए किसी को रोक नहीं है, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। कहीं भी कोई शिकायत नहीं है, हर आदमी को देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। राष्ट्र जो है ये एक धार्मिक नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। जब जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय कहा जाता है। राष्ट्र तो लोग जो है कहते ही रहते हैं, लेकिन इसकी तुलना कोरोना महामारी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी एक बीमारी है। राष्ट्रवाद में जो कुछ भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, सारे धर्म जुड़े हुए हैं। हामिद अंसारी ने जो है कहा है वो इस तरीके से कहा है, गलत है, लेकिन ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब देश में हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग जो है अपना अपना मजहब अपनी अपनी बात रखते हैं, अपना अपना लोग अपना काम करते हैं, हर जो है हर जात के लोग धार्मिक काम भी करते हैं, किसी के लिए कोई रोक नहीं है, इसी का नाम राष्ट्रवाद है। दरअसल देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राष्ट्रवाद को कोरोना से भी बड़ी बीमारी बताया था। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हामिद अंसारी ने कहा था कि कोरोना के आने से पहले देश धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद जैसी महामारी का शिकार हो चुका है, जिसको लेकर इकबाल अंसारी ने उन्हें नसीहत दी।